कंप्यूटर साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग चैप्टर्स हैं और किताब जो हम फॉलो कर रहे हैं, बड़ी फेमस किताब है प्रेसमैन साहब की, मैक्सिम साहब की, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच। तो सारा जो कॉपीराइट है जो कॉन्टेंट का, वो इन्हीं का है। मैं केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए इसको यूज कर रहा हूं। पहला चैप्टर है द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन एक बेस तैयार करना होगा, वो ये चैप्टर तैयार करता है। तो सबसे पहला सवाल इसमें आता है, व्हाट इज इट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या? तो ये जो सॉफ्टवेयर शब्द आता है, अगर आप देखें सॉफ्टवेयर, अब इसके साथ अगर आप हार्डवेयर सुनेंगे, अभी आप स्पाईवेयर सुनते हैं, तो हर जगह आप वेयर शब्द सुनते हैं। अब कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसको आप केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये अब हर जगह छाया हुआ है। आप अपना मोबाइल अगर देखें तो उसमें जो एप्स हैं वो भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रोग्राम्स हैं। सिंपल अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी का आप एडिशन का प्रोग्राम लिखिए, कि अगर मैं आपसे आपको टू दूं और थ्री दूं तो इनको ऐड करके पांच आना चाहिए। तो ये एक केवल प्रोग्राम है। इन ये जो बड़े बड़े जब प्रोग्राम हो जाते हैं और ये कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। हु डज इट? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन करता है, या ये कहें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इसमें अलग अलग इसमें विधा बन गई है, जैसे आईटी वाले अलग हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अलग हो जाते हैं, टेस्टर अलग हो जाते हैं। तो वो लोग जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, बनाने के बाद जो उसे मेंटेन करते हैं, तो या तो वो डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसे बनाते हैं और बनाने के बाद इसका ध्यान भी रखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अब कोई भी ऐसी जिंदगी का आप आयाम उठा के देखिए, आपका घर होगा, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो कोई भी अगर आप घर देखें, तो अगर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको इसका आपको एक ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, हाउस टैक्स कहते हैं। कहां से करेंगे? अब आप ऑनलाइन जाके करेंगे। अभी जो ऑनलाइन जाके कर रहे हैं, ब्राउजर के थ्रू कर रहे हैं, इसको किसने बनाया है, कैसे बनाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह हो गया है कि अब सबको यहीं से करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी का हर एक काम, चाहे आप खाना मंगा रहे हैं स्विगी से, छोटे से बड़ा हर काम आप इसी से कर रहे हैं। स्टेप्स क्या है इसमें, कहां से शुरुआत होती है? तो शुरुआत ऐसे होती है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं कोई ऐसा देश जहां पर ठंडक बहुत हो, तो बनी बात है कि आपकी जरूरत होगी कि आपको कपड़े चाहिए गर्म, वार्म क्लोथ चाहिए, ये जरूरी है। इसी तरीके से कि जब आप अपना काम ऑटोमेट करना चाहते हैं, यानी एक काम जो बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि एक काम वो बार बार हो रहा है, तो इसीलिए कस्टमर या ये कहें कि कोई कंपनी कुछ बनाना चाहेगी, वो कहेगी कि देखिए साहब इसको इसको प्रोग्राम के तहत लिख दीजिए ताकि हमें बार बार ये नहीं करना पड़े, सब कुछ ऑटोमेट हो जाए। तो कोई ना कोई आपकी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, या कोई ना कोई आप ऑटोमेशन चाहते होंगे कि चीजें अपने आप हो जाए किसी एक नीड के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक स्पेशल नीड है कि आप किसी ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां पर ठंड ज्यादा है, तो आपको गर्म कपड़े लेने ही होंगे, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। व्हाट इज द वर्क प्रोडक्ट? अब वर्क प्रोडक्ट का मतलब यह होता है कि फाइनल क्या निकल के आएगा। जब आप धनिया लेके आते हैं तो आप धनिया की सब्जी तो नहीं बनाते, कोरिएंडर इसकी सब्जी तो नहीं बनाते, धनिया सब्जी में डलता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ये किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए बनाया जा सकता है कि भाई ये एप्पल में चलेगा या ये इस ब्राउजर पे चलेगा, है ना? ये आपकी जो वर्क प्रोडक्ट बनेगा वो किसी ना किसी एक एनवायरनमेंट में चलने के लिए बनेगा, ये हो सकता है हर जगह चले, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो लोगों के काम को सॉल्व करेगा। हाउ डू आई इंश्योर दैट आई हैव डन इट राइट? अब यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये सारी की सारी चीज आगे की जो डिस्कशन है वो इसी बात पर चलेगी। क्योंकि होता यह है कि जब आप किसी के लिए बनाते हैं, उन्हीं को हम एंड यूजर कह रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा किसके लिए? एंड यूजर के लिए बनाएगा। तो वो एंड यूजर, जो भी यूजर है, उसकी बात को समझेगा पहले, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसको सॉफ्टवेयर बना के देगा, उसके लिए प्रोग्राम बना के देगा, और जो भी उसकी एप्लीकेशन है, जो दोनों के
समझ में आ रही है भी, उन्होंने कहा कि मुझे भाई खेत चाहिए, तो आप उन्हें खेत ही दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो खेत मांग रहे हैं आप उन्हें खलिहान दे रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी बात कर रहे हैं, आप बिटकॉइन की बात कर लें या क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें, मैं कोई भी नाम लूंगा ना, चाहे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, कहीं भी आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से, ऐप से अछूता नहीं रह सकते। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इस बुक में दिया हुआ है, या ये कहा गया है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। कभी कभी क्या होता है कि आप घूमने निकलते हैं और आप रास्ता भूल जाते हैं, और रास्ता जाना है आपको यहां और यहां पहुंच जाते हैं, और फिर आप यहां पर रुक जाते हैं, और आपको ये जो यात्रा है बहुत अच्छी लगने लगती है, आपको लगता है कि रास्ता भूल के हमने बहुत अच्छी चीज पा ली। वही ये कहा गया है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपने चाहा नहीं था लेकिन कोई रिजल्ट आया, कोई ऐसा उसका रिजल्ट आया या आपको ऐसा उदाहरण मिला। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे ही धीरे धीरे इसकी उत्पत्ति हुई है, चाहे आप शुरुआती दौर में ले लें जब बहुत एक छोटे से काम के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लिखनी पड़ती थी, और लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। आज हमारे पास पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो 70 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी विधा हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी जिससे आप बच नहीं सकते, या फिर वो आप उसके बगैर जिंदगी नहीं जी सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप विज्ञान की बात करें या फिर इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की बात करें, 70 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। जो सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस जैसे बढ़ी, तो हुआ ये कि धीरे धीरे चीजें और डेवलप होने लगी। होता यह है कि जिस चीज में लोग ध्यान देते हैं, जहां पर आपको दिखता है कि बस डिमांड ज्यादा है, वहां पर लोग काम करना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एप्लीकेशन डोमेन इसे हम कहते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, वेबसाइट आपने डिजाइन कर ली, आप करवा दी, वो चीज आ गई। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आ गए, इसके बारे में भी काफी चर्चा हम करने वाले हैं। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। अगर आप थोड़ा और लेके जाए तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आए, पहले हमारे पास विंडोज शुरू हुआ था, भाई एक फ्लॉपी पे चलता था, वो फ्लॉपी डिस्क कहते थे उसको। आज हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भाई मेन फ्रेम, नेटवर्क सारे बेस्ड है। तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या कर रखा है, पूरी विश्व की बात कर रहा हूं, चाहे उनको नौकरी, चाहे उनको आराम, चाहे उनको अपनी सेफ्टी चाहिए, चाहे उनको आनंद चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे कोई भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं, यहां तक कि अपनी जिंदगी में। आपको एक चित्र दिखाता हूं, देखिए, एक छोटे से सी प्रोग्राम में कुछ गलती हुई, कोलन की, सेमी कोलन की, या कोई कोड था, और उससे लाखों का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। तो होता यह है कि लोग अपनी जिंदगी इस सॉफ्टवेयर के हवाले कर देते हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बेटर बी राइट, आपको सही होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भाई कैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएं, हम इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही बात करेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाएं, कैसे इसको सही बनाएं, कैसे बनाएं नहीं, बनाएं तो सही, सही कैसे बनाएं। तो एक पूरा खाका हम तैयार करेंगे जिसमें अलग अलग प्रोसेस होंगे, मेथड मतलब होते हैं अलग अलग, हम इसमें मेथड, फंक्शन, काम, स्टेप्स, या क्या क्या हमको फॉलो करना है, क्या प्लानिंग रहेगी हमारी, क्या हमारे अलग अलग ये कहें फेजेस होंगे, और कौन कौन से हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखना चाहेंगे या देखेंगे। सॉफ्टवेयर का जो नेचर है, जैसे ये बिहेव करता है, कैसा ये दिखाई देता है, क्या काम करता है, तो इसको हम कहते हैं ये डुअल रोल अदा करता है, यानी कि इसको हम दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला यह है, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि आपका एक कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको टिकट बुक करना है, टिकट मतलब मूवी टिकट बुक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बुक माई शो पे जाएंगे, ये और तरीके होंगे। तो ये मूवी बुक करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे, या एक एप्लीकेशन बना के दे देंगे, या एक वेब ऐप बना के दे देंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का काम कर रहा है। यहां पर होता हो क्या रहा है कि आपके पास यूजर ने बोला कि मुझे यार ये वाली पिक्चर देखनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब ये वाली पिक्चर देख लीजिए, और फिर उसके बाद आप अपना बुक, कौन सी पिक्चर देखनी है, फिर आप जगह बुक करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, पॉपकॉर्न वगैरह खाना तो वो डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको हम, पहली चीज तो ये है कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, पहले तो ले जाइए, उसको चेंज करना, उसको दिखाना कि भाई आपकी टिकट बुक हो गई है, इसको ले जाइए, ये QR कोड है आपका, और इन्फॉर्मेशन के आपको मेल पे भेजना, ये सारे काम प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट काम कर रहा है सॉफ्टवेयर, है ना। अब
इसमें क्या है कि वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया, हो सकता है गेमिंग वाला सॉफ्टवेयर बनाया आपने, तो गेमिंग तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, यानी काफी सारा उसमें आप अगर 3D यूज किया है तो बहुत सारा आपकी मतलब रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के, तो प्रोडक्ट की तरह काम करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर एक व्हीकल भी है। व्हीकल का मतलब ये होता है कि यात्रा करने के लिए आप जो चीज इस्तेमाल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपने आप में प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी भी है जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करती है। जैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बगैर आप कंप्यूटर कैसे यूज करेंगे। अगर आप अपना मोबाइल आप ओपन करते हैं तो आप एंड्रॉइड या iOS इसके बगैर तो काम नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो ये एक तरीके का व्हीकल है, यानी गाड़ी है जो आपको सॉफ्ट जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, क्योंकि इसी पे जाके जैसे आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप ऑन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर पा रहे हैं ना। ऐसे नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हो गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आपको कम्युनिकेशन करना है, इस बात करनी है, कुछ भेजना है, और दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद करने के लिए, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप डायरेक्टली यूज करें और एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को उपयोग करने में आपकी मदद करें, तो इस तरीके से डुअल रोल होता है इसका। देखें आज के जमाने में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, माइनिंग इंडस्ट्री होती है, ऐसी आपकी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी इकोनॉमी में ले लें, चाहे अमेरिका की बात करें, हिंदुस्तान की बात कर लें, या फिर आप केनिया के बारे में बात कर लें। लेकिन जो पहले क्या होता था कि हमारे जैसे प्रोग्रामर जो होते थे वो एक आदमी होता था, एक ही प्रोग्राम बना रहा है, एक ही कोड बना रहा है सब कुछ, इसको हम लोन प्रोग्रामर कहते थे। लोन मतलब एक अकेला आदमी। जब वो प्रोग्राम बनाता था, वो सॉफ्टवेयर बनाता था, तो उससे जो सवाल पूछे जाते थे, आज भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आज बिल्कुल कहें एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग की जा रही है, जबरदस्त आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबरदस्त आपके पास कंप्यूटिंग पावर है, तब भी आपसे सवाल वही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब यही है। अगर आप एक रोड बनाएंगे, एक रोड आपको यहां से वहां ले जा रही है, तो जो आज से 50-100 साल पहले इस रोड के बारे में पूछा है भाई कितनी सेफ है, किस चीज की बनी है, बरसात में ये खराब तो नहीं हो जाएगी, आज भी वही पूछा जाएगा कि भाई सेफ है कि नहीं, आजकल की जो गाड़ियां हैं उसको झेल लेगी कि नहीं झेल लेगी। तो सवाल ये उठता है कि कभी भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमने किसी को कमिट किया कि भाई हम इसको मान लीजिए 2 महीने या 2 साल में बना देंगे, ऐसा क्यों होता है कि 2 महीने का हमेशा 4 महीना हो जाता है, 2 साल का हमेशा 3 साल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है। हमने कहा कि भाई हम इसको बना देंगे 10 लाख में, है ना, 1 मिलियन में बना देंगे, लेकिन हम 12 लाख लग जा रहे हैं या 15 लाख लग जा रहे हैं, कॉस्ट क्यों हाई हो जाती है, कारण क्या है। और हम सॉफ्टवेयर जब देते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि एरर उसमें आते रहते हैं। मतलब हम कस्टमर को दे भी दिया हमने सॉफ्टवेयर बना के, यानी कि उनकी किसी बिजनेस नीड को हमने सॉल्व भी कर दिया, कहा कि भाई हमारी तरफ से हमने सॉफ्टवेयर चेक कर लीजिए आप, उसके बाद भी बेचारे को एरर मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उसके बाद हमने मान लीजिए 1 साल का उन्होंने हमको वो दे दी कि भाई आपको ये सर्विस पीरियड है, यानी कि 1 साल आप इसकी सर्विस में भी रहेंगे। तो क्यों इतना मेहनत लग जाती है, टाइम लग जाता है इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में, कि जो चीज बना चुके हैं उसको फिर से मेंटेन करें, मेंटेन के बारे में भी हम आगे काफी बात करने वाले हैं। फिर भाई हम मेजर क्यों नहीं कर पाते हैं, जैसे आज हम मेजर कर सकते हैं ना कि 1 किलो आलू ले रहे हैं, 2 किलो प्याज ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर के मेजरमेंट में इतनी दिक्कत क्यों आती है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो ये जो सारी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, ये आज से पहले जब अकेला आदमी बनाता था, 2 आदमी बनाते थे, और आज जो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनियां बना रही हैं, चाहे आप TCS का नाम ले लें, चाहे आप इंफोसिस का नाम ले रहे हैं, तो ये समस्याएं आज भी हैं, ये सवाल आज भी पूछे जाते हैं। तो ये समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, समझना है। तो सॉफ्टवेयर को डिफाइन कैसे किया जाए, देखिए बहुत सारी डेफिनेशन आपको सॉफ्टवेयर की मिलेंगी, आगे भी मैं डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन यदि आप कहीं लिखना है, किसी को बताना है, तो इसमें 3 चीजें आपको बोलनी है। सॉफ्टवेयर पहली चीज होती है इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा A+B 2+3 सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप सी में लिख रहे हैं या C++ में लिख रहे हैं, तो भाई C++ में लिखना है तो पहले आपको सी इन करना पड़ेगा, 2 नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे, फिर सी आउट करना पड़ेगा, बीच में आपको कहीं C equals to A+B करना पड़ेगा, A में आपको 2 लेना पड़ेगा, B में आपको 3 लेना पड़ेगा।
तो बेसिकली क्या होगा कि ये कुछ कोड लिखने पड़ेंगे और इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं, बस आप ये समझ लीजिए जो मैंने लिखा है इसी को हम इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, यही कंप्यूटर प्रोग्राम है वो जो आपके स्पेशल नीड्स को या आपके काम को सॉल्व करेगा, है ना। अभी केवल काम को सॉल्व नहीं करेगा, 2+3 गिनने में हो सकता है एक मिनट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक मिनट लगे। यूजर कह रहा है हमें एक मिनट नहीं चाहिए, हमें तो एक माइक्रो सेकंड में चाहिए, तो परफॉर्मेंस भी आ जाती है इसमें। तो सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन तो आते ही आते हैं, सॉफ्टवेयर में डेटा स्ट्रक्चर भी आते हैं। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो हम स्टैक यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, लिंक लिस्ट यूज करते हैं, तमाम तरीके के जो सॉफ्टवेयर कहें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर हार्डवेयर बेस्ड हो, नेटवर्क बेस्ड हो, उसमें हमको डेटा स्ट्रक्चर यूज करने पड़ते हैं। कैसे हम इंफॉर्मेशन को लेंगे, जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जब अगर हम YouTube की बात करें, अगर हम Facebook की बात करें, उनके पास तो हजारों करोड़ों टेराबाइट गीगाबाइट्स में तो मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, इस में डेटा आता है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे कम ध्यान दिया जाता है, वह डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह होता है काम कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, कैसे करना चाहिए और आगे इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, सॉफ्टवेयर का मतलब है इंस्ट्रक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन, इन सबको मिला के सॉफ्टवेयर बनता है। लेकिन आगे भी इसकी और डेफिनेशन आएगी। तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है। हार्डवेयर क्या होता है, आपके आप जरा अपना मोबाइल उठाइए अपने हाथ में, वो एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है, चाहे आप एंड्रॉइड लें, OS लें या फिर और भी जो इसके अंदर एप्स चल रहे हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल एलिमेंट नहीं है जैसे हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर लॉजिकल मैटर है। इसको मतलब लॉजिकल का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसा नहीं कि इसमें लॉजिक लगी है इसलिए इसको लॉजिकल कह रहे हैं, लॉजिक तो लगता ही है जैसे मैंने आपको 2+3 बताया अभी। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये आप फील कर सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते। कहने का मतलब कि सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं होगा। वेयर आउट का मतलब क्या होता है, वेयर आउट का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे ये खराब नहीं होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, चलिए पहले मैं आपको एक काम करता हूं, एक डायग्राम से बताता हूं। डायग्राम को समझने के लिए आप ये देखें कि यहां पर एक्स एक्सिस में दिया गया है टाइम, वाई एक्सिस में है फेलियर रेट, मतलब समय के अनुसार किस हिसाब से गड़बड़ी हो सकती है, फेलियर हो सकती है, चीजें खराब हो सकती है। ये जो है इस रिलेशनशिप को हम कह रहे हैं, ये जो देखिएगा इसको बाथ टब कर्व कह रहे हैं, बाथ टब कर्व। और ये हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर के बारे में, किसके बारे में, हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब समझ लीजिए, आपका जो टीवी है वो आपका हार्डवेयर है, मोबाइल आपका हार्डवेयर है, आपकी वॉशिंग मशीन आपकी हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में होता क्या, ये आपकी गाड़ी, जो गाड़ी आप चलाते हैं वो हार्डवेयर है। अब होता यह है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाई देगी। उसका कारण क्या है, मतलब समय के साथ जो फेलियर रेट है आप देख रहे हैं कि ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे आप बनाते हैं तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मान लीजिए आपका जो गाड़ी का फिल्टर लगा है वो खराब लगा हुआ है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें आती हैं हार्डवेयर में। जैसे ही आपने ये चीजें ठीक कर दी तो उसके बाद ये आराम से धीरे इसी फेलियर रेट पे यहां पर ये चलता रहता है। शुरुआत में ज्यादा हो गया, फिर ये आराम से चलता रहता है, लेकिन जब आपने इसको यूज कर लिया, जैसे अगर आप एक गाड़ी यूज कर रहे हैं, अगर आप एक गाड़ी यूज कर रहे हैं तो होगा क्या, ये गाड़ी 4 या 5 साल के बाद आपको दिक्कत देना शुरू कर देगी। 2-3 साल तक तो बहुत अच्छी चलेगी, उसके बाद ये दिक्कत देना शुरू कर देगी। तो यहां पर अब ये फेलियर रेट बढ़ जाता है क्योंकि वेयर आउट होगा। वेयर आउट मतलब ये हो गया चीजें खराब होने लगी, राइट। क्यों, क्योंकि आप गाड़ी मान लीजिए लेके चल रहे हैं तो डस्ट से खराब हो जाएगा, कंप्यूटर में डस्ट आती है, इसमें धूल आती है, बहुत उठापटकी करते हैं आप, या फिर मान लीजिए आप लेके सो गए और रात को ध्यान नहीं रहा, आपका कोन ही पड़ गई इस पे, या फिर किसी ऐसे टेम्परेचर में काम कर रहे हैं एकदम गर्म और सर्दी, तो बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट खराब हो जाते हैं। इसका मतलब हार्डवेयर खराब होने लगते हैं। यहीं पर अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊं, लेकिन इससे पहले समझ लीजिएगा कि अगर सॉफ्टवेयर के किसी भी खराबी को दूर करना है तो आपको सॉफ्टवेयर का डिजाइन अच्छा बनाना पड़ेगा। डिजाइन के बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर में ये एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं आते। सॉफ्टवेयर में ना तो डस्ट की कोई दिक्कत है, ना टेम्परेचर की कोई दिक्कत है, ना आप उठापटकी करें उसकी कोई दिक्कत है। यानी जो एनवायरमेंटल मैलेडीज है, जो भी दुखदाई चीजें हैं एनवायरमेंट की, वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में होंगे, जो पहले पता नहीं कर पाया, तो वो सब ठीक होंगे, उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। ये शुरुआती दौर है, इसको हम कहते हैं आइडियलाइज्ड कर्व, जो हमारे दिमाग में चल रहा है।
कि भाई अरे शुरुआत में हम दिक्कतें ठीक कर देंगे फिर तो बेहतरीन चलेगा। इसको हम आइडियलाइज्ड कर्व कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो डिफेक्ट है वो आएंगी आएंगी, एरर्स आएंगे। तो सॉफ्टवेयर मैंने कहा कि वियर आउट तो होगा नहीं, जैसे हार्डवेयर होता है, गाड़ी आपकी खराब हो जाएगी सॉफ्टवेयर नहीं होगा, लेकिन ये डिटेरियरेट होगा। अब आपका सवाल होगा जब वियर नहीं हो रहा है तो डिटेरियरेट क्यों हो रहा है? डिटेरियरेट का मतलब ये होता है कि धीरे 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 इसमें दिक्कतें आ रही हैं, इसकी परफॉर्मेंस कह लें या फिर इसमें जो हम चीजें, अब इसको समझाता हूं मैं, एक्चुअली क्या है कि इसका कर्व ऐसा नहीं होगा, ये कर्व ऐसा नहीं होगा सॉफ्टवेयर का, वो ऐसा होगा। उसका एक कारण क्या है कि मान लीजिए कोई साहब आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि यहां तक आपने सारे एरर शुरू कर दिए, जरा इसमें कुछ चेंज कर दो। हमारा जो क्लाइंट है ना वो कह रहा है कि मुझे ना ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो आपने इसमें चेंज कर दिया। जैसे ही आपने चेंज किया फिर से एरर आ गई, ये एरर आ गई। फिर इससे पहले कि आपने इसको ठीक किया किसी दूसरे चेंज के बारे में बात आ गई, तो फिर जैसे चेंज जब तक ये सेटल होता फिर से चेंज आपने किया, तो और क्योंकि ये इसे कहते हैं प्रोपोगेशन इफेक्ट, एक चेंज के कारण एक चेंज या कहें कि एक डिफेक्ट को दूर करने या एक उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी करने के बाद उसमें फिर से एरर आ रही है या फिर और चीजें उसमें गड़बड़ होने लग रही है। तो एक्चुअल कर्व इसका यूं होता है, ये इसका आइडियलाइज्ड कर्व है, एक्चुअल कर्व ये है। तो ये इसीलिए डिटेरियरेट होती है, खराब मतलब ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर अब धीरे 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 खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो बस उसका यूज करते करते चीजें खराब होने लगेगी। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर फेलियर से बचना है तो आपको इसका डिजाइन अच्छा बनाना होगा। और डिजाइन जो होता है, क्योंकि शुरुआत में अगर सॉफ्टवेयर को अच्छे से प्लान कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी। सॉफ्टवेयर इसके अगर कार्यक्षेत्र को देखा जाए, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन डोमेन, कहां कहां ये काम आता है, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसे मैंने बताया आपको पहले डिस्कशन में कि ये हर जगह ही इस्तेमाल होता है, हर जगह। लेकिन इसकी सात बड़ी बड़ी ब्रॉड अगर हम कैटेगरीज या इसकी श्रेणियां बनाएं, इसका वर्गीकरण करें, तो क्या बन सकते हैं? पहला जो बनेगा इसमें है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बनेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम जो होता है, जैसे अगर आप एक कोई पार्ट कहें तो उसे पार्ट कहते हैं, छोटा एक पार्ट हो। सिस्टम की बात तब आती है जब ये सब पार्ट्स बन के कुछ बड़ी चीज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जिनको हम मिलाएंगे और वो कोई और प्रोग्राम को मदद करेंगे। अब इसको दो भाग में और डिवाइड करता हूं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भाग में डिवाइड किया जा रहा है, एक ये और दूसरा ये। अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि इनको बताने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आपको ये पता है कि आप क्या डालने वाले हैं, क्या इनपुट करने वाले हैं, कितना इसमें समय लगेगा, क्या आउटपुट आएगा। जैसे फिर से एग्जांपल वही वाला लिया जाए कि 2+3 3, 2 और 3 आप इनपुट देने वाले हैं, हो सकता है माइक्रोसेकंड सेकंड मिली सेकंड या और उससे कम में ये रिजल्ट आ जाए। आपको ये भी पता है कि इसका आउटपुट 5 आने वाला है। ये हो गया डिटर्मिनेट इनपुट। इसी तरीके से इनडिटर्मिनेट इनपुट ये है कि आपको पता नहीं इनपुट क्या आने वाला है, आपको पता नहीं क्या प्रोसेसिंग टाइम होने वाली है, आपको ये भी नहीं पता एडवांस में पहले से कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके कंपाइलर आते हैं, एडिटर आते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट है। कंपाइलर मतलब ये होता है कि भाई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे मशीन कोड में, ताकि उसे मशीन आराम से एग्जीक्यूट कर पाए, उसमें एक काम होता है। एडिटर का मतलब ये हो गया है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, नोटपैड +++ हो गया, ऐसी फाइल मैनेजमेंट की यूटिलिटीज होती हैं। ये सारे किस पे काम करते हैं? डिटर्मिनेट डेटा पे, जो इसे मैंने आपको अभी बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पोनेंट्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर आप कर लें, विंडोज की बात कर लें या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर, जैसे आप प्रिंटर लगाते हैं, कभी कभी प्रिंटर नहीं चलता, वो कहता है ड्राइवर डालिए, तो ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो उस प्रिंटर को चलाएगा। नेटवर्किंग करनी है यहाँ वहाँ, आपको लैन मैन वैन अगर स्थापित करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये जो पार्ट है, ये जो है, जो बता रहा हूँ, ये इनडिटर्मिनेट है, ये जो है आपके डिटर्मिनेट है। ये पहली श्रेणी हो गई साहब। दूसरी श्रेणी पे आते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी किसी एक काम को, मतलब आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस नीड है, आप कहते हैं मुझे केवल और केवल ये काम करना है, तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाहते हैं, या इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, इन्वेंटरी अभी दोबारा आएगा, लेकिन ये सारे जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अगर आप कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को आप रेलवे रिजर्वेशन के काम में नहीं ला सकते। ऐसी अब आता है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपके जीमेल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, या बाकी जितने भी यहां लिस्टेड किए गए, किसी एक काम का सॉल्यूशन दे रहा है आपको। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की जहां तक बात आती है, मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, नासा ले लीजिए, इसरो ले लीजिए। अब इनको बड़े बड़े काम करने हैं, यहां से वहां उनको सैटेलाइट भेजना है, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करना है और एक धुरी में या फिर किसी एक ऑर्बिट में उसको फिक्स करना है। वॉल्केनोलॉजी हो गया,
जो पहले तो भूकंप की बात कर लीजिए, अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे पहाड़ जिनसे लावा निकलता है, जिनको वोल्केनो कह रहे हैं, कोई भी ऑर्बिटल में डायनेमिक्स है, जो जो सारी मैं बात कर रहा हूँ, उन सबको आप रिलेट करिए कि जहां पर ज्यादा ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत होती है, जहां इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और लॉजिक की जरूरत होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर है। ये कैटेगरी हो गई, तो हमारी तीन हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। जरा और आगे बढ़ते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब ही यह है कि यह किसी के अंदर डला हुआ है, इन अंतर्निहित है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका कैमरा है, इसको ऑटो फोकस करना है, या फ्लाइट में अगर आप बैठे हो तो देखते हैं कि भाई वो आपका पायलट डाल देता है उसको ऑटो ऑटो चालित में, और वो यहां से लेकर एक डेस्टिनेशन, 14 घंटे की डेस्टिनेशन, मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा, मान लीजिए 14-15 की, तो वो अपने आप फ्लाइट जो है अपना पाथ ट्रेवल कर लेगी। तो उसमें ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डले हुए, ऐसे वॉशिंग मशीन हो गया आपका, माइक्रोवेव हो गया, तो जो भी, देखिए केवल यही काम नहीं करता, कंट्रोल भी करता है आपको, एक तो फंक्शनैलिटी देगा, लेकिन ये छोटा सॉफ्टवेयर होता है, किसी एक पर्टिकुलर गैजेट में लगा होगा, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम से आपकी गाड़ी में जो ब्रेकिंग सिस्टम आजकल जो आ गए हैं। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपका इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं सूची नियंत्रण उत्पाद। तो एक सॉफ्टवेयर बना और बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट जो है उसको एक बहुत सारे कस्टमर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं इसको वैसे तो ई कॉमर्स में लाना चाहता था, लेकिन चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई कई कोई चीज खरीदनी है तो बहुत सारे कस्टमर खरीदेंगे, तो प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि वो उत्पाद की बात हो रही है यहाँ पे। एक और जो श्रेणी आती है वो है वेब मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहां पर वेब मोबाइल में सबसे बड़ी बात आती है कि नेटवर्क की बात चली आती है, नेटवर्क बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जब आप वेब मोबाइल की बात करते हैं तो आप केवल एक गैजेट से काम नहीं कर रहे हैं, आपके मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, चाहे वो ब्राउजर बेस्ड हो, अगर आप क्रोम खोलते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, या मोबाइल आपके ऐप हो, जैसे आप ऐप ले लीजिए स्विगी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये वेब और मोबाइल एप्लीकेशन हो गए। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी, इंजीनियरिंग और आपका साइंटिफिक, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे काम रोबोट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम है, कोई भी गाड़ी जा रही है आराम से पता लगाया जा सकता है कि भाई इसका नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें, अब कोई भी सॉफ्टवेयर देखिए इसमें अपने आप एआई लग गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लग जाता है कि भाई क्या चीजें हैं। तो इसमें इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उसको उस किस कैटेगरी में डालेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जो भी इसमें पीछे यूज हो रहा हो। यहां पर मैंने आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वैसे तो टेंसर फ्लो है, जिसमें हम एआई पे, एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी कॉन्टेंट है उस पर काम करते हैं। लेगेसी सॉफ्टवेयर, लेगेसी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, पहले आपको समझना होगा लेगेसी मतलब क्या होता है। लेगेसी का मतलब ये होता है विरासत, जो आपको विरासत में मिला है, आपके पिताजी आपको छोड़ के लिए कुछ छोड़ के गए, बोले मुझे इतना विरासत में मिला है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा जो विरासत में मिला हो, उसका क्या तात्पर्य है और क्यों हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो ये पहले के प्रोग्राम्स हैं। और कब के प्रोग्राम है आप बोलेंगे, हो सकता है 1800 के हो, लेकिन जब से कंप्यूटर साइंस आया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए गए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 1960 के आगे, या 1960 के समय जो बने, 70 के समय जो बने, 80 के समय जो बने, तो वो प्रोग्राम्स जो चले आ रहे हैं। यहां पर एक एग्जांपल मैंने देना चाहा है कि भाई ये ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ फेडरल लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम जो विरासत में मिले हैं या चलते चले आ रहे हैं। इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि डायनी और फाड, ये जो फाड साहब है, इन लोगों ने कुछ कोई बात कही, उन्होंने कहा कि जो एक सॉफ्टवेयर है जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, डेकेड्स अगो, द डेकेड का मतलब होता है 10 साल, अब इतने पुराने हैं ये, जो आज भी आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, दिक्कत ये है, प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि भाई इसका विस्तार, एक्सेस, क्या हो रहा है कि ये हमारा दिमाग जो है उसमें मतलब हेडेक, सरदर्द क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े हैं उनको जब ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयरों को चेंज करना होता है, क्योंकि आज जैसे 1980 में दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 1990 में दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो अब काम तो उसी सॉफ्टवेयर पे करना है, लेकिन इनको मेंटेन भी करना है, नए हिसाब से परिवर्तित भी करना है, चलेगा नहीं चलेगा ये भी एक चीज है। पहली वाली टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए आप विंडोज 7 का एग्जाम्पल ले लीजिए, विंडोज 7 का सपोर्ट है ही नहीं, अब खत्म कर दिया विंडोज ने, तो अगर उसके लिए बनाया गया हो तो आज कैसे चलेगा, ये इन्होंने बताया। तो ल्यू इन्होंने भी कुछ ऐसी बात बताई कि भाई ऐसे सॉफ्टवेयर, लेगेसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आज भी कुछ काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, और जो इंडिस्पेंसेबल है, अब ये इंडिस्पेंसेबल कह लीजिए, इनएविटेबल कह लीजिए, इनको कहते हैं अपरिहार्य, यानी इसको हटाया नहीं जा सकता, कुछ भी कर लीजिए आप, इसको हटाया नहीं जा सकता,
इसके बगैर काम नहीं चल रहा है। तो कोई भी लेगेसी सॉफ्टवेयर कितने सालों से चल रहा है, लॉन्जिविटी कितनी, इसने उम्र दराजी प्राप्त कर ली है, जिंदगी इसने जी ली है, साथ में बिजनेस क्रिटिकलिटी आपके व्यवसाय के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर, अगर आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहा है इसमें, इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई है। आप सीधी सी बात है, अगर पुरानी गाड़ी चलाएंगे तो भाई, अगर 1960 की गाड़ी चलाएंगे तो अभी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और अगर चलती भी है तो उसमें बहुत सारा काम कराना पड़ेगा आपको। तो इसकी क्वालिटी के बारे में जब हम बात करेंगे, क्वालिटी का हम पूरा आगे डिस्कशन करने वाले हैं। पुअर क्वालिटी का मतलब यह होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, यानी आपको मजा नहीं आएगा या फिर वो काम वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। कारण क्या है, क्यों खराब क्वालिटी है इसकी? क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। पहली चीज तो यह है कि इनएक्सटेंसिबल डिजाइन, मतलब जिस हिसाब से बनाया गया था, जिस समय डिजाइन किया गया था, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, विस्तार नहीं कर सकते। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बड़ा जटिल है, कोड बड़ा जटिल है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, जब कुछ पढ़ने के लिए होगा ही भाई ये काम क्या करता है तो दूसरा आदमी कैसे समझ पाएगा। और जो इसका मेंटेनेंस हुआ है, हिस्ट्री, शुरुआती दौर से अभी क्या क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लेगेसी सॉफ्टवेयर में ये सब दिक्कतें आती हैं। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो चले, ऐसा नहीं है कि भाई गूगल सालों साल पहले नहीं आया, चला, आज भी चल रहा है, ओरेकल हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना दूंगा जो 15-20 साल जिनको हो गए लेकिन वो चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर काम किया गया। तो जो लेगेसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें 1960 के दशक से जो अभी तक बने हैं, क्यों उसमें चेंज जरूरी है? क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या है, गुणवत्ता इनकी होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि आज जमाना चेंज हो रहा है। आज के हिसाब से देखेंगे, जो आज के बच्चे कपड़े पहनते हैं वो आज 20 साल पहले के बच्चे नहीं पहनते थे। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो सॉफ्टवेयर को भी चेंज होना होगा। इसका मतलब यह है कि भाई जो जो आज नई बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आज जो जरूरत है, आज मोबाइल सबके हाथ में है, 20 साल पहले मोबाइल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चीजें चेंज हो रही है ना, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को भी अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा, उसमें हमको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आज नए सिस्टम्स आ गए, एक सिस्टम अकेले काम नहीं करता, उसके साथ दूसरा सिस्टम है, उसके साथ तीसरा सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आपस में इंटरऑपरेबल होना चाहिए, यानी अंतर, ये कहें कि विभागीय काम होना चाहिए, करने में की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा यह है कि क्योंकि अब नेटवर्क की बात हो रही है, हर चीज वो नेटवर्क पर चलती है, सॉफ्टवेयर को कुछ ऐसा हम दोबारा री आर्किटेक्चर उसको दें या उसका खाका चेंज करें, फ्रेमवर्क चेंज करें, जैसे वो आज के जमाने के लिए काम कर जाए। मैंने जो भी कहा इससे एक ही बात निकलती है, भी आज के जमाने के लिए उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वेब एप्स, अब वेब, शुरुआती दौर में हम केवल इंटरनेट समझते थे वेब है, ऐप का मतलब ये होता है, देखिए जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर को छोटा कर दीजिए उसको हम ऐप कहने लगेंगे। मोबाइल पे जो चलते हैं वो भी सॉफ्टवेयर है लेकिन हम उसको एप्स कहते हैं, एप्लीकेशंस कहते हैं। तो हुआ ये कि वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे मैं इंटरनेट की बात करता हूं, वैसे WWW अलग ही टेक्नोलॉजी है, 1990 और 1995 की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या थी, हम बहुत वेबसाइट बनाई गई। अब वेबसाइट एक दिखाता हूं आपको, आपको बड़ा अचरज होगा कि ये याहू की वेबसाइट है। अब आप सोच सकते हैं कि गूगल की या फिर ऐसी वेबसाइट आपको मिलाई, याहू की आज ऐसी वेबसाइट दिखाई देगी, नहीं। बहुत सिंपल होती थी ये, इसमें केवल कुछ पेजेस होते थे और बहुत ही लिमिटेड टेक्स्ट होता था, और आप एक लिंक को क्लिक करेंगे दूसरे पे चले जाएंगे। ग्राफिक्स भी बहुत कम होते थे, बहुत ही छोटे छोटे ग्राफिक्स होते थे, कोई इसमें मतलब फ्लैशीनेस नहीं थी, आज के जमाने की वेबसाइट्स नहीं थी। समय चेंज हुआ, समय परिवर्तित हुआ, और उसके बाद HTML ने बढ़ोतरी की, इसके साथ jQuery आ गई, उसके साथ आपके JavaScript embed हो गया, XML, ये सारी चीजें जब इसके साथ जुड़ गई तो वेबसाइट, या कहें कि वेब एप्लीकेशन, मैं कह रहा हूँ ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट, ये सब के पीछे कोड ही लिखा हुआ है, सब है बैकग्राउंड में सेम। तो वेब बेस्ड सिस्टम और जो एप्लीकेशन है, जो वेब पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं, और जो एप्लीकेशन है जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, उन सबको मिला के हम वेब एप्स कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये बने, यहां से शुरुआत हुई, फिर HTML और ये वेब टेक्नोलॉजीज में बढ़ोतरी हुई, तो ये सब बढ़े। अब वेब एप्स जो है वो सब जगह आ गए, चाहे आप किसी भी कॉरपोरेट डेटाबेस की बात करें, कॉरपोरेट का मतलब होता है विभागीय, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी ट्रेड देख लीजिए आप, बड़े बड़े ट्रेड, उन सब में वेब एप्स हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ है और IRCTC की वेबसाइट है, जो आप जहां से आप टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, तो आप सोचिए इतने सारे लोगों को डील करने के लिए एक ऐप है। तो ये सारे आपके मोबाइल में, आपके हाथ में, आपके बिल्कुल एक क्लिक पे अवेलेबल है वेब एप्स। वेब एप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके फीचर क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे? पहली चीज तो यह है कि नेटवर्क इंटेंसिव होता है। नेटवर्क इसमें, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो बहुत ज्यादा होती है। कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया IRCTC का, अगर आपको बुकिंग करानी है तो एक साथ लाखों हजारों लोग करा रहे होते हैं कॉन्करेंसी एक साथ।
अनप्रिडिक्टेबल लोड। मान लीजिए 10 बजे आपने टिकट ओपन की किसी ट्रेन की, 12 बजे की जो स्लीपर है वो शुरू होता है, 10 बजे एसी होता है, 12 बजे इस तरीके से शुरू होता है, इस समय कितना लोड आएगा आपको पता ही नहीं है, है ना। हो सकता है छठ की पूजा चल रही हो तो बिहार की ट्रेन में एकदम से लोड आ जाए। परफॉर्मेंस, अगर वेब ऐप पे आप काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि भाई अगर वेब ऐप में आपने क्लिक किया और वो घूम रही है चक्री, टाइम लग रहा है, तो आपका जो कस्टमर है वो कहीं और चला जाएगा। परफॉर्मेंस इसकी सबसे बड़ी इशू है। दूसरा ये अवेलेबिलिटी वेब ऐप्स। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बंद हो गया था शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, या मान लीजिए 8-10 घंटे के लिए बंद हो गया। अब यह अवेलेबिलिटी अगर इसकी नहीं है तो लोग एकदम जिस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो क्या करेंगे। अवेलेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी बस हर सेकंड, हर मिली सेकंड। इसके बाद आता है डेटा ड्रिवन। अब मेन काम क्या है वेब्स का, इनपुट लेगा आउटपुट देगा, लेकिन वो इनपुट आउटपुट आजकल नंबर्स नहीं होते हैं, आजकल तो ऑडियो वीडियो कंटेंट जो भी आप कहें कि बड़े लेवल पे, क्योंकि ऑडियो वीडियो छोटी चीज नहीं होती, बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त इसकी टेक्नोलॉजी है, डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट है, तो डेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्टेंट सेंसिटिव, अगर आपका वेब ऐप सुंदर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, देख के आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे काम होगा। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, आज के जमाने में चेंज इज द ओनली थिंग विच नेवर चेंजेस। समय चेंज हो रहा है, वेब एप्लीकेशन का शेप या ये कहें कि उसकी कार्य प्रणाली चेंज होती है, और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। इमीडिएसी, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप आराम से बैठे हैं, 1-2 महीने में चलो उसको करेंगे भाई, मार्केट में डालेंगे, उससे पहले ही किसी ने आप वही चीज डाल दी, या आपके बिजनेस के हिसाब से उसने अपने बिजनेस का डाल दिया, तो वो चल जाएगा, आप रह जाएंगे। सिक्योरिटी, अब जब आप इंटरनेट वेब या फिर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहां सिक्योरिटी आ जाती है, कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। हर एक शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जेल क्यों होती, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोगों को जेल में डाला जाता है, तो सिक्योरिटी है एस्पेक्ट है कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा, कुछ भी गड़बड़ हुई लोग आपका पूरा पैसा खा जाएंगे या फिर आपके सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सुंदरता तो हर जगह पूजी जाती है, चाहे आप माने या ना माने, तो अगर सुंदर ऐप बनाएंगे या ऐप होगा तो लोग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल अब हर एक इंसान के हाथ में है, यानी हम मोबाइल को पहले मानते थे, आज से 15-20 साल पहले चले जाइए तो एक लग्जरी माना जाता था इसको, लेकिन अब ये जरूरत है, सारे काम इसी पे हो रहे हैं। तो मोबाइल पे ऐसी क्या चीज है जो काम करती है, वो है एप्लीकेशंस। अब क्योंकि इस डिस्कशन में हम सॉफ्टवेयर एप्स इन सब को एक तरीके से ही देख रहे हैं, तो यहां पर आप एक मोबाइल की तस्वीर देखेंगे और यहां कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको। ये जो आइकन्स हैं ये तब आते हैं जब इसमें हम कुछ एप्स इंस्टॉल करते हैं। एप्स क्यों शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम, बेसिकली एप्लीकेशंस है, तो सॉफ्टवेयर या फिर ऐप जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। अब आप बोलेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म जहां तक हम बात करते हैं वो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आप एप्पल का iOS ले लें, एंड्रॉइड ले लें जो कि ओपन सोर्स है, या फिर विंडोज का मोबाइल ले लें। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका जो डिफरेंस है वो बड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, मोबाइल और कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या फिर आपके टैबलेट की बात करूं, वर्क स्टेशन की बात करूं, इनसे थोड़ा मोबाइल का प्रोसेसिंग कम रहता है, क्योंकि इसकी इसमें रैम है, या फिर आप देखें कि इसमें जो प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल मोबाइल जो है वो कई कंप्यूटर से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हम जब प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर या ऐप इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। अब होता यह है कि हमें चाहिए क्या, अब यहां पर आप जो देख रहे हैं ये आ क्या रहा है, ये नंबर्स आपने देखे, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऐप का काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे ले, इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और आपको दे जो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं। अब क्योंकि मोबाइल में पूरा प्रोसेसर है, अब तो इसमें कैपेबिलिटी है, क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या इसको करना चाहिए, अगर आप सॉफ्टवेयर ऐप या मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये करेक्शन कर सके, मतलब आपके इनपुट ले सके, उस डेटा को एनालाइज कर सके, और परसिस्टेंट स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल के खुद का स्टोरेज होता है, वहां पर स्टोरेज कर सके, और उसके बाद फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब हम कह रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, इसका मतलब ये कि मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, तो इंफॉर्मेशन को भी उसी तरीके से दिखाया जाए
क्योंकि जहां आप डेस्कटॉप की बात करते हैं वहां स्क्रीन बदल जाती है। हम इसको फॉर्म फैक्टर भी कह सकते हैं कि भाई हमारी जो फॉर्म स्क्रीन का फॉर्म फैक्टर कह सकते हैं कि स्क्रीन का साइज क्या है उस हिसाब से, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उस हिसाब से इसको दिखाया जा सके। मोबाइल एप्लीकेशंस जब भी हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कई लोग कहते हैं मोबाइल वेब एप्लीकेशंस, कई लोग कहते हैं मोबाइल एप्स। अब क्या होता है कि अगर हमको इसके डिफरेंस नहीं पता तो हम दोनों को एक साथ बात करेंगे, कभी हम मोबाइल वेब एप्लीकेशंस कह देते हैं, कभी मोबाइल एप्लीकेशन कह देते हैं, कभी मोबाइल एप्स कहते थे, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। तो मोबाइल वेब एप्लीकेशंस में एक शब्द आ रहा है वेब, इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, यहां पर वेब नहीं है। तो जो आपकी किताब में है उसके उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मोबाइल वेब एप्लीकेशन जिसको हम वेब ऐप भी कह रहे हैं, इससे क्या होता है, ये आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल दिख रहा है आपको, ये क्या क्या एक्सेस कर रहा है, ये एक्सेस वही कर रहा है, मतलब इंटरनेट से ही डेटा आपको लाके दे रहा है, लेकिन ये ब्राउजर का यूज कर रहा है। ब्राउजर आपका फायरफॉक्स हो सकता है, ब्राउजर आपका क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है। जब मोबाइल आता है, जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी एक ब्राउजर या दो ब्राउजर ऑलरेडी होते हैं, वो आपके मोबाइल कंपनी डाल के देती है। तो जब हम मोबाइल पे ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिससे आप www या वेब एज अ वेब क्लाइंट उसको आप यूज करते हैं, तो वो जब आप उसका यूज करके अपना काम करते हैं तो उसे मोबाइल वेब एप्लीकेशंस कहेंगे। और जब मोबाइल ऐप के बारे में बात आती है तो यहां पर आपको ब्राउजर की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करते हैं या मोबाइल के हार्डवेयर, जैसे मान लीजिए जीपीएस का लोकेशन पता करना है एक ऐप को, तो डायरेक्ट हार्डवेयर, जीपीएस तो एक हार्डवेयर है, लोकल प्रोसेसिंग वहीं के वहीं प्रोसेसिंग होगी, यानी कि सिस्टम के अंदर ही प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज कैपेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल का खुद का स्टोरेज होता है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस इसका पूछा जाता है कि जरूरी यह हो जाता है कि मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं। तो आप देखिएगा, ये मोबाइल हमारे जो वेबसाइट है, जो मोबाइल या छोटे कहें कि सिस्टम पे चलती है, और प्योर मोबाइल ऐप क्या होंगे, इनमें डिफरेंस क्या है। पहली चीज यह है कि आप जब मोबाइल वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तब आप बात कर रहे हैं ब्राउजर के थ्रू। यहां पर आपका एक नेविगेशनल यूजर इंटरफेस है, कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप ब्राउजर के थ्रू काम करेंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राउजर पे जा रहे हैं तो ऑडियंसेस या फिर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, कई जगह से इंटरकनेक्टिविटी है इसकी, इनएक्सपेंसिव है क्योंकि यहां पर आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन फीचर इसके लिमिटेड है, इसकी जो मतलब इससे जो इस्तेमाल करने के अलग अलग विधाएं हैं वो कम हो जाती है। लेकिन जहां आप ऐप के बारे में बात करते हैं, जैसे आप स्विगी यूज करते हैं, जोमैटो यूज करते हैं, इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत आम है, आपका मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हैं, तो वो प्योर मोबाइल ऐप है ना। पहली चीज यह है कि आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसको इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, उसका एक यूजर इंटरफेस होगा, दोनों का इसका नेविगेशनल यूजर इंटरफेस है, डिफरेंस देखिएगा, ये इंटरेक्टिव है, आप अपनी उंगली से अपने हाथ से इसको इंटरेक्ट करेंगे। नेविगेशन का मतलब यह है यहां पर आप एक लिंक से दूसरे लिंक में जाएंगे। अब जब आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया तो अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कई ऐसे ऐप है जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई ऐसे ऐप है जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर एंगेजमेंट यानी कि जो आप एज ए यूजर आप एंगेज कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और एक्सपेंसिव है, एक बार आपने ऐप डाल लिया उसके बाद ज्यादा उसमें खर्चा होता नहीं जब तक आप कोई पेमेंट ना करें। और जैसे मैंने कहा कि फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्डवेयर है जैसे कैमरा होता है फोन में, जीपीएस होता है, उन सबको ये एक्सेस कर सकता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा मोबाइल वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्स में क्या अंतर है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड का मतलब है बादल, और जहां भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे उसमें आपको बादल दिखाई देगा जरूर बना हुआ। कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटिंग का सीधा मतलब यह है कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपको 5 और 2 देता हूं, आप मुझे 7 दे दीजिए, कितना बेसिक एग्जांपल है, यही तो कंप्यूटिंग है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूट कर रहा है, क्या कंप्यूट कर रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहा है। अब एक चित्र समझिए कि यहां पर आपने अपना एक सिस्टम लिया, मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, वो आपने क्लाउड से कनेक्ट किया। क्लाउड है क्या, क्योंकि अब इस क्लाउड के थ्रू आप यहां पर बड़े बड़े मेन फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, ये देखिए इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस चित्र पे आएंगे, बड़ा शानदार चित्र है ये, और इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन समझ लीजिए या फिर इसका अर्थ समझ लीजिए कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक इकोसिस्टम है, एक वातावरण है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप और मैं यूजर, एज ए यूजर, कंपनी भी हो सकती है यूजर, कहीं भी किसी भी जगह से कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यानी आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू हैव अ कंप्यूटर।
और साथ में आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहां सिस्टम इस चित्र में भी देख रहे हैं, आपको मेन फ्रेम दिख रहा होगा, आपको सर्वर्स दिख रहे होंगे। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस बात को, तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यहां पर आप देखें एक सर्वर, यहां पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन आपके हो गए, टैबलेट हो गए, ये सब क्लाउड के बाहर है। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो बाहर है, और ये इसके अंदर जो रिसोर्सेज है, चाहे वो आपके एप्लीकेशन हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं आप, आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉई है ना, सबके लिए कंप्यूटर लेना, सबके लिए फिर एक आईटी, आपको आईटी भी हायर करना पड़ेगा, एडमिन भी हायर करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को करने से अच्छा आप क्यों ना आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन भी मिल रहा है। मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है कोई यूज करते हैं, वो सारे के सारे यूज करें, आप क्लाउड पे डाल दीजिए। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताया, या फिर आप हार्डवेयर की तरह भी ले सकते हैं, और हार्डवेयर को ज्यादा अच्छे से यहां पर बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो क्लाउड के अंदर आपको एप्लीकेशन भी मिलेंगे, प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। अब इसको मैं चित्र से दिखाऊंगा आपको। अब देखें, पहली चीज यह है कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। आप अगर लैपटॉप अपना कनेक्ट करते हैं क्लाउड से, तो आप या तो डायरेक्ट वेब ब्राउजर से कर सकते हैं, जैसे आपका मेरे फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, इसे यूज कर सकते हैं, या इसके लिए जो क्लाउड कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे IBM है, या कोई Azure है, कोई जो भी कंपनी आपको दे रही है, वो उसका आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो जो क्लाउड है वो आपको दे क्या रहा है, पहली चीज तो यह है कि डेटा कैसे स्टोर, आप डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा कहां स्टोर होगा, डेटाबेस में होगा या किसी डेटा स्ट्रक्चर में होगा, और आपको एप्लीकेशंस भी मिल रहे हैं, डेटा एप्लीकेशन दोनों मिल रहे हैं, तो आपको हर एक सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड पे सॉफ्टवेयर रख दीजिए और आपके 100 लोगों को एक्सेस दे दीजिए, वो उसको एक्सेस करते रहेंगे। तो इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि ये एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसमें जितने भी आपके बाहर जो आपको दिख रहे हैं, ये वो क्लाउड के बाहर होते हैं जिससे आप एक्सेस करेंगे, और यहां पर एप्लीकेशन है। आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे फाइनेंस का एप्लीकेशन है, मान लीजिए आप स्टॉक ब्रोकिंग में है तो आप फाइनेंस का यूज कर लीजिए। प्लेटफॉर्म के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपके जैसे डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, OS है, प्रोग्राम्स है, वो सारे यहां पर आ गए। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप हार्डवेयर आ गया यहां पे, या स्टोरेज आ गया, या नेटवर्क आ गया, यहां केबल्स आ गई, तो वो सारी चीजें आपको यहां मिलती है। जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो एज अ सर्विस आपको मिलता है क्लाउड में। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना चाहते हैं, तो जिसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है, इसका जो बनाया जाता है, यानी आर्किटेक्चर अगर इसका समझना चाहे, तो आपको एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दोनों जगह सर्विसेज देनी होगी। कैसे बनेगा ये? फ्रंट एंड में क्या क्या देंगे? क्लाइंट, यानी कि ये होंगे क्लाइंट, यानी कि यूजर डिवाइस, और साथ में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ब्राउजर हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कंपनी जो आपको क्लाउड एज ए क्लाउड कंपनी आपको देना पड़ेगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर से आप एक्सेस करिए। तो एक फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, और उसके अलावा एक बैक एंड होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। बैक एंड में क्या क्या होगा आपका? इसमें आपके ये सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी चीज आएगी? आपके सर्वर हो गए, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो गए, ये ऐसे जिसमें आप डेटा स्टोर कर सके, ऐसे कई सर्वर्स हो सकते हैं जो एडमिन का काम करेंगे, और इसके बीच में एक, इन दोनों के बीच में, मतलब ये पूरा क्लाउड और ये आपके सिस्टम के बीच में एक मिडिलवेयर होगा। अब मिडिलवेयर अपने आप में एक बड़ी चीज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इनके बीच में एक कोई ना कोई ऐसी धारा होगी जो इनको कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि ट्रैफिक आना जाना है, उसको भी मॉनिटर करना है, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे कि किस तरीके से आपको बात करनी है, क्लाउड क्या डेटा देगा, किस फॉर्मेट में देगा, कैसे एक्सेस होगा, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ आ जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लाउड का आर्किटेक्चर है, इसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जाता है। अब मैंने जैसे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात बताई, अब यहां पर आप हो सकता है क्लाउड सबके लिए दे दें, पब्लिक पूरा एक्सेस दे दें कि कोई भी आके यूज करे, लेकिन आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास ऑथराइजेशन होगा तभी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी बात हुई आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, अब यहां पर सॉफ्टवेयर की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है, इससे क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं, क्योंकि इन चित्रों से, पहले आपको मैं जब थ्योरी बताऊंगा तो ये चित्र समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI, इन्होंने कई सारी चीजों की बहुत सटीक अर्थ बताया है, उनकी डेफिनेशन बताई है, व्याख्या। तो पहले आप इसकी व्याख्या समझिए, अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसे सिस्टम,
हार्डवेयर समझ लीजिए, और सॉफ्टवेयर इंटेंसिव है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत उनकी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं या कई लोग उसे यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर या ये जो सिस्टम्स हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट, जहां पर हम प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये क्या क्या चीज शेयर कर रहे हैं। एक चीज तो ये है कि यहां पर कोई भी मार्केट की नीड हो, सेगमेंट हो, मिशन हो, यहां पर बहुत सारी चीजें कॉमनैलिटी में शेयर हो रही है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो होता यह है कि आप किसी एक मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, उस मार्केट के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, अब एक और सॉफ्टवेयर बनाया तो उसने बहुत सारी चीजें उसकी यूज कर ली। इसको ऐसे समझिए, देखिए लाइन ऑफ प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स लाइन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, जब भी ये बनाए जाते हैं, इनका इनकी विचारधारा, इनके जो बैकग्राउंड हो सेम है, जो भी इसका डेटा का आर्किटेक्चर होगा वो भी सेम होगा, और जितने भी कंपोनेंट बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपको कैलेंडर यूज करना है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो एक में होगा तो बाकी सब में हम रियूजेबल कंपोनेंट की तरह उसे यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि खासतौर पर जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जो चीजें यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, पर्टेन टू का मतलब ये है किसी न किसी एक बिजनेस के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन मान लीजिए आप जीआईएस के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो अब जीआईएस कौन यूज कर सकता है? जो प्लानर है, अर्बन प्लानर है, वो यूज कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे जिनका कोर्स है वो यूज कर सकते हैं, इस सेटिस्फाइड बाय आर्किटेक्चर। अब ये प्रोडक्ट सारे शेयर कर रहे हैं इसी आर्किटेक्चर को, जो भी इस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाया है वो सारे यही शेयर कर रहे हैं। यूज टू स्ट्रक्चर, अब जो कंपोनेंट और सर्विसेज है जिससे भी बनाया गया है ये प्रोडक्ट, वो सारे कॉमन है, तो ये कॉमनैलिटी है, इसमें शेयरिंग सबसे बड़ी बात है, ध्यान रहेगा आपको। इससे क्या होता है, आपको इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाता है, यानी कि आपको सारी चीजें तैयार है, आपको को बस ये जो प्रोडक्ट है इसको वेरी करना है थोड़ा, राइट, थोड़ा सा वेरिएशन देना है इसमें। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ऑनबोर्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी आपका ऑनबोर्ड मतलब ये है कि भाई आपका हार्डवेयर में लिखा हुआ है, मतलब डाला जाएगा ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, कि भाई कई ड्राइविंग हो रही है उसको मॉनिटर करना है। तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है, एसीआई ने ये दिया है सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स का मतलब क्या हुआ, कि भाई हमारे जो भी सिस्टम्स बनेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो बनेगा ऑनबोर्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाहे वो आपकी मित्सुबिशी लैंसर में लग रहा हो, चाहे आपके रोग में लग रहा हो, चाहे वो मर्सिडीज में लग रहा हो। अब दूसरी इसमें जो डेफिनेशन आई है, में बात आई है, वो यह है शेयरिंग अ कॉमन मैनेज सेट ऑफ फीचर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स बनेंगे वो क्या शेयर करेंगे, जो भी आप ले लीजिए भाई, जो लिमिट है इसके आगे नहीं बढ़ना, कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, कोई चीज दिखानी है आपके इस सिस्टम पे, वो सारी चीज कॉमन रहेगी इस। और उसके बाद और क्या आता है, सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट और मिशन, जो मैंने यहां पर भी बताया आपको, और इस डेफिनेशन में भी लिखा है कि भाई यहां पर क्लियर एसईआई की डेफिनेशन में मार्केट और मिशन लिखा है भाई, कि ये किसी ना किसी, ये जो भी इसे यूज करेगा ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, वो या तो व्हीकल होगी या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऐसा कुछ होगा, इक्विपमेंट होगा, है ना। डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन सेट ऑफ कोर एसेट्स, इसका मतलब यह है कि आर्किटेक्चर सेम है, जो सॉफ्टवेयर के लिए आर्किटेक्चर लिख दिया गया वो हमेशा सेम रहेगा, और इनके बीच में जो मैसेज फॉर्मेटिंग है वो सबकी सेम रहेगी, मतलब आप आराम से इधर से उधर कर सकते हैं चीजों को। ये आपका प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये पहला चैप्टर हमने किया द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमैन का। बहुत शुक्रिया।